कितनी विडंबना है कि जो महिलाएं यहाँ आकर अपनी आंखों से आंसू टपका रही हैं कि हमें जो एक सम्मान मिल रहा था और सम्मान से हमें जो एक आदर मिल रहा था, आज वो आदर यूपी सरकार ने सब खो दिया। आइए, और हमारे बीच में हमारे शिक्षा मित्र और हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आपकी मांगे क्या हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र सिंह यादव है। सर, सबसे पहले मैं आपके ऐसे न्यूज चैनल के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी इस पीड़ा को समझा। सर, हम उत्तर प्रदेश के 172,000 शिक्षा मित्र जो थे, माननीय मोदी जी माननीय योगी जी के साथ थे, हमने इनको खुल के लड़ाया और हमने जी जान से बूथ पे इतनी मेहनत की कि हमने इनकी सरकार बनाई। 12 सितंबर 2015 को जब हमारा समागम माननीय हाईकोर्ट से रद्द हुआ था, तो हमने मोदी जी से अपनी प्रार्थना की थी बनारस में, तो माननीय मोदी जी ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, आप लोग धैर्य से काम लें और सारी जिम्मेदारी मेरी है, आप हताहत ना हो। आज मोदी जी की यही जिम्मेदारी है। योगी जी ने भी कहा था, जब योगी जी के यहाँ गए थे तो उस समय अखिलेश जी की सरकार थी, तो योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार को कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल के और इनको समायोजित किया जाना चाहिए। आज मैं माननीय योगी जी से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सर, आज तो आपकी सरकार है, आज शिक्षा मित्र बेहाल है, आज शिक्षा मित्र मरने को मजबूर है, आज बहनें हमारी रो रही हैं, आज भाई हमारे रो रहे हैं, बच्चे बीमार हैं। आज बताइए सर, राज्य में भी सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, लेकिन सर कहाँ वो वादा गया, कहाँ दो वो दिन गए? क्या यही अच्छे दिन है? यही अच्छे दिन थे? आज 172,000 मर रहे हैं। और सर, सरकार और मीडिया बंधु निवेदन ये कर रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं शिक्षा मित्र हो गए, मेरे 40,000 शिक्षा मित्र टीटी पास हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 40,000 को भी नजरअंदाज कर दिया। आज हमारा सारा शिक्षा मित्र जहाँ डिबेट होती है वहाँ कहते आयोग, 17 साल मैंने सेवा की है, मैंने तैर के विद्यालय खोले हैं, मैंने 2 करोड़ बच्चों को जीवन दान दिया था। एक पत्रकार महोदय थे अशोक राजपूत, डिबेट में मैंने देखा था, अशोक राजपूत ने कहा था कि शिक्षा मित्र अंगोछा डाल के पढ़ाने जाते हैं। सर, मैं जिस परिवेश में पैदा हुआ, प्राइमरी विद्यालयों के लिए इंग्लिश मैन की जरूरत नहीं है, उस परिवेश की जरूरत है, जिस परिवेश में रहते उसी परिवेश की शिक्षा को देना जरूरी है। मैंने अपने खून से सींचा है, मैंने अपने पैसों से रजिस्टर मंगाए, मैंने विद्यालय खोला है और मैंने मिड डे मील सारे कार्य किए हैं, मैंने जनगणना का कार्य किया है, मैंने चुनाव भी करवाया है, भारत सरकार का बीएलओ भी रहा हूं। अगर मैं अयोग्य था तो मोदी जी, योगी जी या अयोग्यों का चुनाव आयोग, जो मैंने चुनाव करवाया है वो चुनाव भी आयोग है, आप भी उस पद के लायक नहीं, आयोग है, चुनाव तत्काल करवाएंगे और आपको आपकी औकात को हम दिखा देंगे कि 2019 में माननीय मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री कौन होता है। माननीय योगी जी, आपको हम 2022 में ये दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के ताज किसके सर बनेगा। बात यह है, ना तो मोदी जी के आगे पीछे कोई है, ना योगी जी के, इसलिए हम लोगों का दर्द नहीं जानते। हम एक गांव के, गांव की लोकतंत्र का गला घोटा है, गांव की जनता को मारा है, गांव के अध्यापक को मारा है, और गुरु की अवहेलना करने के बाद में कोई कभी विजय नहीं हुआ। माननीय योगी जी के भी गुरु रहे होंगे, माननीय मोदी जी के गुरु होंगे। मेरा फिर निवेदन है कि मुझे अध्यादेश चाहिए, जब तक अध्यादेश ना आए तब तक समान कार्य समान वेतन होना चाहिए, और जब मेरे साथी टीटी हैं तुरंत पुनर्विचार याचिका डाली जाए और टीटी भाइयों के लिए उनको तुरंत उसी स्थान पे बना रहना देने चाहिए। और मेरा यही निवेदन है, सबसे पहले अध्यादेश टीटी पास साथियों के लिए उसी पद पे बना रहना चाहिए, और जो हमारे साथी टीटी नहीं उनको टीटी में छूट देनी चाहिए, उनको सारी तरह छूट देने, हमने जीवन के 17 साल बिताए हैं, 17 साल। मोदी जी, योगी जी, आज हमारी पीड़ा को आप नहीं समझ सकते। और मेरे मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है, आज मीडिया बंधुओं ने मेरी पीड़ा को इसको समझा, मेरे आईएसएम न्यूज चैनल के मेरे बड़े भाई जो भी है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, मुझे एक छोटे से व्यक्ति को ये मौका दिया दिल्ली में। और मोदी जी, अगर अध्यादेश नहीं लाते हो, समान कार्य समान वेतन नहीं करते हो, आईएसएम जो शिक्षा मित्र जो टीटी पास उनकी बात नहीं रखते हो, तो सर हम इस लोकतंत्र के भागीदार हैं। हम 2019 में 2022 में आपको अभी ताकत दिखा देंगे। अब क्या है, हम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम उसकी अवहेलना कर रहे हैं, हम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें लोगों को राहत दी जाए समान के समान वेतन समान कार्य की।